अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि थर्मोपैक का इस्तेमाल आप घर में किस तरह से कर सकते हैं और थर्मोपैक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। थर्मोपैक का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि 30 के बाद आपका स्किन लूज हो जाता है, आपके चेहरे पे रिंकल्स आ जाता है। तो ये थर्मोपैक का अप्लाई करने से आपके चेहरे पे आपका स्किन टाइट हो जाता है और आपका स्किन बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। और इसे घर में किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी का हेल्प चाहिए होगा। अगर आप किसी का हेल्प लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ये आपके चेहरे पे आप लगा सकते हैं। अगर आप किसी का हेल्प नहीं लेंगे तो आप ओन से लगाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है इसको एप्लीकेशन करना। तो इसलिए मैं आज ये आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में इसे अपने आप से ही अप्लाई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूं कि अकेले से हम ये थर्मोपैक का इस्तेमाल घर में किस तरह से करें। और ये जो थर्मोपैक है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 100 रुपीस में ही आ जाता है। जो मैं थर्मोपैक इस्तेमाल कर रही हूँ वो थर्मोपैक हर्बल का है और ये 100 रुपीस में आ जाता है। और जो उसका शीट मास है, शीट मास भी आपको 50 रुपीस के अंदर ही आ जाएगा। तो आप इसे एक बार खरीद लेंगे तो आपको ये जितनी बार आपको इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं और इसे मैं किस तरह से अकेले से इसे अप्लाई करूंगी। तो प्लीज़ आप इसे देखिए कि अकेले से लगाना आसान नहीं है, तो फिर भी मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हर्बल थर्मोपैक है, मैंने इसे हर्बल ब्यूटी शॉप से ख़रीदा था। तो ये पाउडर जैसा होता है, ये पिंक कलर का है। एक बॉल और पानी और रोज वाटर लिया है मैंने और एक ब्रश। इस तरह का शीट मास आता है, तो ये भी मैंने हर्बल ब्यूटी शॉप से खरीदा था। तो इस तरह का ये मास आता है, ये कॉटन फैब्रिक मास है। तो अभी मैं इसे फोल्ड करके इस बॉल में रख दूंगी और इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर दूंगी कि जब हम फेस में इसे अप्लाई करें तो ये हमारे चेहरे पे अच्छी तरह से चिपके रहे। तो जब तक थर्मोपैक बनाते हैं तब तक इसे रोज वाटर में ऐसे ही रहने देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूंगी। मॉइस्चराइजर से हमको मसाज करना है 5 मिनट के लिए। तो मैंने इतना ले लिया है। मैंने अभी तक थर्मोपैक को बनाया नहीं है। सबसे पहले मैं अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लूंगी, क्योंकि थर्मोपैक अगर मैं पहले से बना कर रखूंगी तो थर्मोपैक टाइट और कड़क हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। आप जो भी क्रीम अप्लाई करना चाहते हैं, एलोवेरा जेल या कोई आपका मॉइस्चराइजर या फेशियल मसाज क्रीम, जो भी क्रीम है आप उसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज कीजिए। थोड़ा ज़्यादा क्रीम लेके आपको मसाज करना है, क्योंकि आपको मसाज करने के बाद ये क्रीम को वाइप नहीं करना है। इसी मसाज क्रीम के ऊपर ही आपको थर्मोपैक को अप्लाई करना है।
आप इसे महीने में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्किन अच्छे तरह से टाइट रहेगा, रिंकल फ्री रहेगा। तो इस तरह से आप महीने में एक बार थर्मोपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थर्मोपैक मैं अप्लाई करना इसलिए बता रही हूँ, जो लोग अकेले ये थर्मोपैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन लोग ये किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से थर्मोपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी 5 मिनट हो गया है, अभी ये क्रीम को मैं इसी तरह से अपने फेस पे छोड़ दूंगी और आपको बताऊंगी थर्मोपैक बनाना। ठीक है, मैंने एक बॉल ले लिया है हर्बल का थर्मोपैक, अब इस स्पून से मैं 3 स्पून ले लूंगी। 3 स्पून हमारे एक फेस के लिए काफी होता है। तो इस तरह से 3 स्पून ले लीजिए। अब इसमें धीरे धीरे करके ही पानी मिलाइए, अगर आप एक साथ पानी डाल दोगे तो वो एकदम पतला हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे से पानी मिला मिला कर इसे मिक्स कीजिए। और आप इसे जब भी बनाइए, जब आपका फेस का मसाज हो जाएगा तभी आप इस पे इसको बनाइए। आप पहले से बना कर रखोगे तो ये 1-2 मिनट में ही ये फुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये मतलब जैसे सीमेंट कैसा होता है उस तरह का ये भी ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरह से आप इसे पतला बनाइए और आप मसाज करके तुरंत ही इसे अप्लाई कर लीजिए। आप पहले ही अपने फेस को 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लीजिए, फिर इसे बनाइए। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो इस तरह से आपको पतला बनाना है और थोड़ा सा पानी मिला लेंगे इसमें। बस ये रेडी हो गया। अब इस मास्क को मैं अप्लाई कर लूंगी तो बहुत ही जल्दी जल्दी मुझे लगाना पड़ रहा है कि जो थर्मोपैक है वो सूख ना जाए जल्दी से। तो इस तरह से आप अपने फेस पे इस शीट मास्क को अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी अपने फेस पर ऐसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये जो थर्मोपैक है वो सूखने लगा है, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग का दिखाया नहीं। तो इस तरह से आप अपने हाथ से अपने फेस पे जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो सके। तो मुझे कैमरा पर देखकर इसे अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो आप इसे ध्यान से अच्छे से अपने हाथ से अप्लाई कर लीजिए। तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, इसे 20 से 30 मिनट्स ही रखना है खाली। तो अभी ये ड्राई हो गया है, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इसे आराम से आप निकालिए। तो मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। ठंडे पानी से धोने के बाद अब अपने चेहरे पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए।
लिया आपने कि इसका एप्लीकेशन आसान नहीं है अकेले से लगाना, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कोशिश किया है कि अकेले से आप थर्मोपैक का इस्तेमाल घर में किस तरह से कर सकते हैं। बिना कैमरा के तो मैं बहुत ही आसानी से अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ, पर कैमरा में थोड़ा मुश्किल होता है इसे अप्लाई करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अगर आप 30+ हैं तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके स्किन को टाइट करता है, रिंकल फ्री करता है, और आप चेहरे पे देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा ग्लो आ गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये, जब आप अप्लाई करते हो तो आपका स्किन बहुत टाइट हो जाता है। मैं इसे महीने में एक बार इस्तेमाल करती हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने एक नॉर्मल ब्यूटी शॉप से ख़रीदा है, ये ब्यूटी शॉप में बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। ये 100 रुपीज़ के अंदर ही आता है, मैंने 90 रुपीज़ में इसे ख़रीदा है। और जो ये शीट मास्क है वो भी आप 50 या 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। मतलब अलग अलग जिस तरह का आप प्रोडक्ट खरीदोगे उस तरह का ही रेट होगा। मैंने जो ख़रीदा है वो 60 रुपीज़ में आ गया है शीट मास्क। और ये जो हर्बल का थर्मोपैक है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आता है। जब अप्लाई करोगे तो आपको इसका खुशबू आने लगेगा, आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा है, और ये आपके फेस को एकदम फ्रेश कर देता है। तो आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ इसको वाइप करके निकाला तो मेरा चेहरा अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो आप इसको जब अप्लाई करते हो प्लीज़ अपने आईब्रोज, अपने हेयर को देख कर ध्यान से इसका अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी अगर आप इस ब्यूटी से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।